हेलो बच्चों वेलकम बैक टू आवर चैनल कंडवाल क्लासेस तो बच्चों आज हम क्लास सेवन्थ लर्न बेल स्मार्ट मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज सेवन पॉइंट फाइव को आज इस वीडियो में कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में इससे पहले हमने एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन से लेके सेवन पॉइंट फोर तक के वीडियो प्रोवाइड किए हैं तो आप उनका जो वीडियो है नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो और बाकी की जो यूनिट्स हैं वो भी हमने उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया है तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में तो उसका लिंक आपको लीजिए प्ले में मिल जाएगा तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ अपने क्लासमेट्स को भी शेयर करें एंड शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब ठीक है सब्सक्राइब भी करें प्लीज तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ ठीक है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ऐसा ही यहाँ पर हमें फाइंड करना है तो क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें फोर थाउजेंड रुपीज़ का एट परसेंट रेट पर फाइव इयर्स का जो है इंटरेस्ट फाइंड करना है सो so, तो देखो यहाँ पर जो पी के वैल्यू है वो फोर थाउजेंड है और रेट आपका एट परसेंट है और टाइम आपका फाइव ईयर है ठीक है ऐसा ही का जो फॉर्मूला होता है आपका वो पी टी आर वन हंड्रेड होता है पी फोर प्रिंसिपल यानी कि जो प्या जो रुपीज़ हम किसी से बोरो लेते हैं उधार लेते हैं उनको उसको बोलते हैं हम पी और कितने टाइम के लिए ले रहे हैं वो आपका टाइम है जैसे यहाँ पर फाइव ईयर्स है और कितना रेट है मतलब किस रेट के हिसाब से हम पैसा वाई मतलब बोरो ले रहे हैं सो so, पुट कर दो आप पी टी और आर मतलब यहाँ पर फोर थाउजेंड पी की वैल्यू और टाइम है आपका फाइव ईयर और आ रहा है आपका एट परसेंट ठीक है अपॉन में हंड्रेड टू जीरो से टू जीरो कट हो जाएगा आपका फोटी और इंटू ये वाला फोर्टी ठीक है फोर्टी इंटू फोर्टी यानी कि सिक्स हंड्रेड आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका टेन थाउजेंड क्या है आपका पी है मतलब प्रिंसिपल है नाइन परसेंट आपका रेट है और फाइव ईयर से आपका टाइम है ठीक है सो यहाँ पर भी ऐसा ही फाइंड करना है मतलब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है फॉर्मूला वही है ठीक है टू जीरो से टू जीरो कट हो जाएगा आपका हंड्रेड इंटू फोर्टी फाइव नाइन फाइव फोर्टी फाइव तो हंड्रेड इंटू फोर्टी फाइव अगर हम करते हैं तो आंसर आता है फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ इंटरेस्ट ओके सिंपल इंटरेस्ट नेक्स्ट आपका फाइव थाउजेंड है है पीम प्रिंसिपल सेवन परसेंट आपका वो है रेट आर और टाइम जो है आपका सिक्स मंथ है ठीक है सिक्स मंथ को हम यहाँ पर ईयर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारा जो टाइम है वो ईयर में ही लेते हैं हम तो ट्वेल्व से डिवाइड करेंगे यानी सिक्स पॉइंट ट्वेल्व इट मीनस वन बाई टू ईयर ठीक है ऐसे कि फॉर्मूला पी टी आर अपन हंड्रेड होता है ये सेम वैल्यू पुट करते हैं पी की वैल्यू फाइव थाउजेंड ठीक है टाइम की जगह हमने पॉइंट टू एल्व पुट कर दिया और रेट है आपका सेवन ठीक है एक मिनट मैं इसको थोड़ा और बता देता हूँ जूम करके टू ज़ीरो से आपका टू जीरो कट हो तो जाएगा सिक्स से आपका ट्वेल्व कट हो जाएगा टू टाइम्स ठीक है टू से आपका ये फिफ्टी कट हो जाएगा ट्वेंटी फाइव टाइम्स और ट्वेंटी फाइव और सेवन को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ट्वेंटी फाइव सेवन जाते हैं वन सेवेंटी फाइव यानि कि आपका जो इंटरेस्ट है वो वन सेवेंटी फाइव रुपीज़ हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ फर्स्ट का तो ट्वेंटी थाउजेंड आपका प्रिंसिपल है मतलब बोरो मनी है ट्वेंटी थाउजेंड और ट्वेल्व एंड बनपूर्थ आपका रेट है ठीक है तो ट्वेल्व एंड बनपूर्थ को हम चेंज कर लेंगे मिक्स फॉर्म को सिंपल में तो फोर्टी नाइन फोर आपका पी ए है मतलब रेट है और फोर इयर्स आपका रेट और टाइम है ठीक है पहले पुट करते हैं ऐसा इक्वल टू पी टी आर अपन हंड्रेड होती है पी के वैल्यू आपकी ट्वेंटी थाउजेंड और आपके आर की वैल्यू फोर्टी नाइन अपन फोर ठीक है जो हमने इसको कन्वर्ट किया था वो और टाइम आपका फोर ईयर है तो फोर ठीक है कैसे मैंने कट किया है वो भी मैं समझा देता हूँ देखो फोर से फोर कट गया टू ज़ीरो से टू ज़ीरो कट गई ठीक है टू हंड्रेड और फोर्टी नाइन को मल्टीप्लाई कर लिया ठीक है नाइन हंड्रेड नाइन्टी एट हंड्रेड रुपीज़ यानी कि नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज़ आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ है जिसमें आपके पी की वैल्यू दे रखी है आपकी सिक्सटीन लैक ठीक है आर है आपका थ्री एंड हाफ मतलब सेवन बाई टू ठीक है और टाइम है आपका टेन मंथ टेन मंथ को हम चेंज कर लेंगे ईयर में तो ट्वेल्व से डिवाइड देंगे यानी कि टेन अपॉन ट्वेल्व ईयर ठीक है पहलू पुट करते हैं पी टी आर अपॉन हंड्रेड में पी पी की वैल्यू री ठीक है आर की वैल्यू सेवन अपॉइंट टू और आपका टाइम टेन अपॉइंट टू ठीक है टू जीरो से आपका टू ज़ीरो कट हो जाएगा ठीक है टू से आपका ये ये टेन कट हो जाएगा एक बट मैं अच्छे से समझा देता हूँ टू ज़ीरो से आपका टू ज़ीरो कट हो जाएगा ठीक है टू से आपका ये कट हो जाएगा फाइव टाइम्स ठीक है फिर आपका बच गया ये सिक्सटीन ये रहा आपका सिक्सटीन ये सेवन आपका ये रहा आपका सेवन फाइव आपका ये फाइव और नीचे ट्वेल्व ठीक है ये रहा ट्वेल्व अब हम इसको कट कर देंगे फोर से थ्री टाइम और फोर से फोर टाइम ठीक है तो आपका आ जाएगा फोर थाउजेंड सेवन और फाइव ठीक है फोर थाउजेंड और सेवन फाइव का मतलब सेवनटी फाइव थर्टी फाइव ठीक है और नीचे है थ्री इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा फोर्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स 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 रुपीज ठीक है तो ये आपका जो है इंटरेस्ट आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन टू में आपके कैलकुलेट द अमाउंट टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है रिपीट बाई फा फाइव थाउजेंड यह आपका पी की वैल्यू है थ्री ईयर्स आपका टाइम है और रेट आपका फोर्टीन है मतलब यहाँ पर हमें अमाउंट फाइंड करना है तो अमाउंट फाइंड करना है पहले हम निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट फिर सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल को एड कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपका है आप पी टी आर अपन हंड्रेड की वैल्यू आपकी फाइव थाउजेंड ठीक है टाइम की वैल्यू थ्री ईयर्स और रेट की वैल्यू फोर्टीन परसेंट ठीक है टू जीरो से आपका टू जीरो कट हो जाएगा फिफ्टी इंटू फोर्टी टू फोर्टीन थ्री फोर्टी टू तो फिफ्टी इंटू फोर्टी टू कर लेंगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा ट्वेंटी वन हंड्रेड यानी टू थाउजेंड वन हंड्रेड ठीक है कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा तो अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में एस आई को ऐड कर देते हैं ठीक है प्रिंसिपल आपका फाइव है इसमें एस आई को ऐड कर देंगे यानी कि टू हंड्रेड टू थाउजेंड हंड्रेड रुपीज़ को ऐड कर देंगे तो टू थाउजेंड हंड टू थाउजेंड वन हंड्रेड प्लस में फाइव थाउजेंड यानी कि सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा ठीक है भाई हम किसी से पैस पैसा जो है बोरो लेते हैं उधार लेते हैं तो हम उसको जो जित जितना पैसा हम उधार लेते हैं यानी कि जैसे फाइव थाउजेंड उधार लिया है तो वो तो हमें देना ही होता है साथ ही साथ हमें आ, कुछ सिंपल इंटरेस्ट भी पे करना होता है ठीक है तो सिंपल इंटरेस्ट आपका ये है और फाइव थाउजेंट आपका वो है मेन मनी जो आपने बोरो किया है तो टोटल मिला के आपको सेवन थाउजेंड और हंड्रेड रुपीज़ पे करने पड़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड ए फार्मर बोरो फार्मर जो है इतना रुपये उधार लेता है ठीक है एक फाइनेंस कंपनी से बफेलो को बाय करने के लिए और रेट है थर्टीन परसेंट ठीक है और टाइम है फाइव इयर्स के लिए लेता है तो पाँच साल के बाद में वो कितने रुपए पे करेगा यानी कि इसमें भी अमाउंट निकालना है तो देखते हैं पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं फिर सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा ठीक है तो पहले सबसे पहले एस निकालते हैं तो ऐसाई का फॉर्मूला है हमारा फाइव थाउजेंड यानी कि पी और टी और आर अपॉन हंड्रेड ठीक है टू जीरो से टू ज़ीरो कट हो जाएगी तो 54 फोर इंटू मतलब एक मिनट रुकना 54 को हमने मल्टीप्लाई किया 5 से तो आपका आ गया 270 सेवेंटी टू सेवेंटी टू थर्टीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ गया इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट है 3510 ठीक है अब इस इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे हमारे प्रिंसिपल इसमें ठीक है तो टोटल जो है 9000 और 10 वो एट थाउजेंड जो है पे करने पड़ेंगे हमें फाइव ईयर्स के लेटर मतलब पाँच साल के बाद में ठीक है फाइनेंस कंपनी को नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ राकेश डिपॉजिट राकेश अपने बैंक में इतने रुपये डिपॉजिट करता है और बिच पे अच्छा बैंक जो है उसको फाइव परसेंट जो है इंटरेस्ट पे करता है है ना तो कितने साल के बाद में हाउ मेनी ईयर्स मतलब कितने साल के बाद में जो इंटरेस्ट है टू फोर्टी हो जाएगा ठीक है यानी यहाँ पर इंटरेस्ट कि है यहाँ पर पी के है आर गिन है और इंटरेस्ट गिविन है ठीक है यहाँ पर टाइम पूछ रहा है कितनी कितने टाइम के बाद में तो टाइम निकालना है एस आई का फॉर्मूला आपका यही होता है पी टी आर अपॉन हंड्रेड ठीक है टाइम निकालना है तो हंड्रेड इंटू एस आई अपॉन पी इंटू आर टाइम निकालना है तो हंड्रेड इंटू एस आई अपॉन पी इंटू आर हंड्रेड इंटू एस आई एस आई की वैल्यू टू फोर्टी है तो हंड्रेड इंटू टू फोर्टी ठीक है अपॉन पी पी का कमीस आपका है टू थाउजेंड फोर हंड्रेड और टाइम है आपका फाइव अच्छा रेट आपका फाइव ठीक है अब देखो टू फोर्टी से ये टू फोर्टी कट गया टेन टाइम्स ठीक है फाइव से अच्छा जीरो से जीरो कट गई टेन बचेगा टेन में फाइव से फाइव से डिवाइड दिया तो टू ईयर आ जाएगा मतलब टू ईयर आपका टाइम आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फाइव पुष्पेंद्र वो वॉट न्यू टायर्स पुष्पेंद्र जो है ट्वेल्व थाउजेंड में नए टायर्स जो है परचेज करता है क्रेडिट कार्ड से और क्रेडिट कार्ड का जो चार्ज है ठीक है वो ट्वेल्व परसेंट है है ना और हमें ये बताना पड़ेगा कि हाउ मेनी मंथ्स अच्छा एंड ऑफ द मंथ्स मतलब मंथ के एंड में हाउ मच मनी बिल बी ओवे आफ्टर वन मंथ मतलब वो एक मंथ के बाद में कितने मनी जो है चुकाएगा का, क्रेडिट कार्ड से ठीक है तो ट्वेल्व थाउजेंड तो आपके पी है चलो देखते हैं मतलब इसमें हमें अमाउंट फाइंड करना है तो पहले निकालते हैं हम एस आई एस आई के फॉर्मूला आपका पी टी आर वन हंड्रेड होता ही है ठीक है पी की वैल्यू ट्वेल थाउजेंड और टाइम आपका वन मंथ है तो वन मंथ को हम पहले कन्वर्ट करेंगे ईयर में ठीक है तो ट्वेल्व से डिवाइड देंगे यानी कि वन पॉइंट ट्वेल्व ईयर ओके तो पी की जगह पी की वैल्यू टाइम की जगह वन पॉइंट ट्वेल्व और आर है आपका रेट ट्वेल्व परसेंट यानी कि ट्वेल्व आपका ट्वेल्व से ट्वेल्व कट जाएगा ठीक है दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी यानी कि वन मंथ का जो आपका इंटरेस्ट है वो एक सौ बीस आ जाएगा ठीक है और ट्वेल्व थाउजेंड तो उसने क्रेडिट कार्ड से पे किए हैं तो ट्वेल्व थाउजेंड प्लस में वन ट्वेंटी यानी कि ट्वेल्व थाउजेंड सॉरी ट्वेल्व थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज़ जो है उसे वन मंथ के आफ्टर पे करना पड़ेगा ओके नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि इफ़ परमानेंट इन्वेस्टेड इतने रुपीज़ परमानेंट जो है इतने रुपीज़ रुपीज रुपीज इन्वेस्ट करता है थ्री इयर्स के लिए और अर्न करता है सिक्स थर्टी मतलब ये आपका वो है सिंपल इंटरेस्ट ओके वाज द सिंपल इंटरेस्ट रेट आपको रेट फाइंड करनी है मतलब आर की वैल्यू फाइंड करनी है आपको ठीक तो है तो ऐसा है कि फॉर्मूला हमारा वो ही है ठीक है पीटी आर अपॉन हंड्रेड आर निकालना है तो हंड्रेड इंटू एस आई करेंगे और अपॉन में रख देंगे पी टी ठीक है तो आर इक्वल टू आ जाएगा हंड्रेड इंटू एस आई अपॉन पी टी ठीक है हंड्रेड इंटू एस आई एस आई की वैल्यू सिक्स थर्टी है पी की वैल्यू ये है आपकी फोर फोर्टी टू हंड्रेड और टाइम की वैल्यू थ्री ईयर्स है ठीक है तो इसको सिंपल करते हैं देखो बहुत आसान है एक मिनट में मैं करके बता रहा हूँ टू जीरो से ये टू जीरो कट हो जाएगी ठीक है थ्री थी से ये कट हो जाएगा टू टेन बार और टू टेन अपॉन फोट फोर्टी ठीक फोर्टी टू ठीक है टू टेन अपन ठीक है अब देखो ट्वेंटी से ये कट हो जाएगा टेन टाइम्स ट्वेंटी वन सी का टू जाएगा टू टाइम्स और टू का डिवाइड दे देंगे टेन में तो फाइव परसेंट मतलब रेट जो है आपकी फ़ाइव परसेंट आ जाएगी ओके नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन थे प्रियंका जो है डिपॉजिट करती है इतनी रुपीज़ अपने बैंक अकाउंट में और वो करती है एट, एट मार्च को ठीक है और रेट है नाइन एंड हाफ परसेंट ओके तो हमें ये फाइंड करना है कि अगर वो थर्टी फर्स्ट जुलाई को मनी को विड्रॉ करती है तो हाउ मच सी अर्न ड्यूरिंग दिस टाइम मतलब एट मार्च से लेके और थर्टी वन जुलाई तक जो है, है मतलब सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे से कितने रुपए जो है अर्न होंगे ये फाइंड करना है तो देखो पहली बात तो कि यहाँ पर पे पीके पैलू तो फोर्टी सिक्स थाउजेंड दे रखी है और रेट आपका नाइन एंड हाफ है इसको चेंज कर लेंगे सिंपल फॉर्म में तो नाइनटीन अपॉइंट टू ठीक है अब टाइम देखो टाइम कैसे निकालेंगे क्योंकि वो एट मार्च को ले रही है ना तो यानी कि मार्च में बनते हैं ट्वेंटी फोर डेज ठीक है सेवन मार्च के बाद मतलब एट मार्च से ट्वेंटी फोर डेज बनते हैं मार्च में और मार्च के बाद आता है अप्रैल अप्रैल में आपके पूरे थर्टी डेज बनते हैं अप्रैल के बाद मई मे, मई में, में आपके थर्टी वन डेज हैं फिर जून में आपके थर्टी डेज हैं और फिर जुलाई में आपके थर्टी वन डेज हैं तो सारे डेज को ऐड कर लो टोटल डेज हो जाएंगे आपके फोर्टी सिक्स वन फोर्टी सिक्स डेज ठीक है अब 146 डेज को अगर ईयर ईयर में कन्वर्ट करना है तो 365 से डिवाइड देंगे क्योंकि वन ईयर में 30, 365 थ्री सिक्सटी डेज होते हैं ठीक है तो आपका टाइम आ जाएगा 0.4 पॉइंट ईयर टाइम कितना आ जाएगा 0.4 पॉइंट ईयर मतलब हमने जो पूरा टोटल जो टाइम था उसको डे में कैलकुलेट करके और ईयर में फ़ाइंड कर लिया 0.4 पॉइंट ईयर ओके अब हम फाइंड करते हैं क्या जो पूछा है मतलब सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जो होता है आपका पी टी आर अपॉन हंड्रेड होता है ठीक है पी के वैल्यू आपके फोर्टी सिक्स थाउजेंट है ठीक है और आर की वैल्यू आपके नाइनटीन अपॉन टू है तो ये नाइन्टीन अपॉन टू लिख दिया पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ाएंगे इसलिए जो है ट्वेंटी दिख रहा है आपको मतलब टू के वैलू का टू के साइड में ज़ीरो है अब देखो इसको सिंपल कर लेंगे ठीक है टू जीरो से टू जीरो कट हो जाएगी ठीक है और फोर से ट्वेंटी कट जाएगा फ़ाइव टाइम्स फाइव से कट जाएगा फोर हंड्रेड जो सिक्सटी जो भी बच रहा है वो कट जाएगा नाइन्टी टू टाइम्स और नाइन्टी टू इंटू ये वाला नाइनटीन ठीक है नाइन्टी टू इंटू नाइनटीन करेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट है वो आ जाएगा वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टी टू ठीक है मतलब कि उसको इतने रुपीज़ अर्न होंगे एज ई इंटरेस्ट ओके अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट है आपका अली बाय ए यूज गिटार अली जो है यूज गिटार को बाय करता है और ट्वेंटी फोर थाउजेंड में बाई करता है लेकिन वो छः हज़ार रुपये तो वो पे कर देता है और बाकी का जो है वो इंस्टॉलमेंट में पे करता है ठीक है ट्वेल्व परसेंट जो है एनम एम ट्वेल्व परसेंट जो है आपका रेट है और तीन साल में वो पे करता है तो हमें बताना है कि वो मंथली कितने अमाउंट को पे करेगा ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये अच्छे से समझना है इसको तो देखो पहले तो हम पी देखते हैं तो पी जो है ट्वेंटी फोर में से सिक्स थाउजेंड तो वो एट ए टाइम पे कर देता है मतलब ट्वेंटी फोर में से सिक्स थाउजेंड को मैनेज कर दो तो एटीन थाउजेंड जो है बाकी के अमाउंट बचता है ठीक है अब एटीन थाउजेंड पर वो है इंटरेस्ट है तो पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं एटीन थाउजेंड पे तो इंटरेस्ट आ जाएगा आपका सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड एट्टी ठीक है इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही है सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड एट्टी इंटरेस्ट आ जाएगा तो ध्यान देना अब उसको एटीन थाउजेंड तो चुकाने चुकाने हैं साथ में ये इंटरेस्ट भी चुकाना है तो टोटल मिला के अमाउंट हो जाएगा आपका ट्वेंटी फोर थाउजेंड फोर एटी ठीक है ये अमाउंट चुकाना है उसको और ये चुकाना है उसको थ्री ईयर्स में ठीक है थ्री ईयर्स मीन्स ट्वेंटी थ्री ईयर्स में, में होते हैं थर्टी सिक्स मंथ क्योंकि वन ईयर में होते हैं ट्वेल्व मंथ तो ट्वेल्व इंटू थ्री करेंगे तो थ्री ईयर में होते हैं थर्टी सिक्स मंथ ठीक है तो यानी कि ये जो पैसा है ना ये वाला ये वो थ्री ईयर में चुकाएगा इट मीनस थर्टी सिक्स मंथ में चुकाएगा सो वन मंथ का इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए थर्टी सिक्स से इसको डिवाइड कर देंगे यानी कि हर मंथ यानी कि वन मंथ का इंस्टॉलमेंट आ गया सिक्स एट्टी मतलब हर मंथ वो तीन साल तक सिक्स एट्टी रुपीज़ जो है जमा कराएगा तो उसका जो इंस्टॉलमेंट है वो पूरा हो जाएगा मतलब ठीक है तो बच्चों तो ये जो आपका एक्सरसाइज कंप्लीट है आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा और ठीक है मैं आपसे क्या चाहता हूँ जैसे आपके आपको पता है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो अपने क्लासमेट्स के साथ में और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू लाइक दिस वीडियो एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरीके से आप पॉँच करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करें ठीक है क्योंकि मैं देखता हूँ लाइक बिल्कुल नहीं होते वीडियो में तो आई थिंक ये रॉन्ग है अगर आप वीडियो देखते हो और आपको अगर कुछ मेरे वीडियो से फ़ायदा मिलता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू